पंजाब ही नहीं अगर सेंटर सरकार की गल की जाए तो सेंटर सरकार से भी लखा करोड़ रुपए का कर्जा। पंजाब नूं मत्तां देण वाला सूबा जिहदी अगवाई कर रहे ने अरविंद केजरीवाल, उत्तरी भारत दे विच सब तो वड्डा कर्जदार दिल्ली। साल 2004 तो लैके साल 2021 तक किहड़े किहड़े सूबे ते कर्जे दी पांडा, हर सूबे दा करांगे खुलासा। तुसीं देख रहे हो ABC पंजाब, मैं हां तुहाडे नाल जगतार सिंह भुल्लर, सब दा स्वागत करदे हां। पंजाब सरकार होवे, हरियाणा सरकार होवे, हिमाचल प्रदेश सरकार होवे, दिल्ली सरकार होवे, जां फिर सेंटर सरकार होवे, सरकारां दीआं पॉलिसियां कारण अज हर कोई सूबा लखां करोड़ां रुपए का कर्जदार है। इत्थों तक कि भारत सरकार ते भी लगातार कर्जा वधदा जा रहा, ते खास करके वह सूबे जिहड़े पंजाब नूं करजई आखदे ने, शायद अज तो बाद पंजाब नूं करजई आखना बंद कर देण, ते खास करके वह सूबे जिहड़े सूबे हुण दिल्ली तो बैठ के ते दिल्ली तो आ के पंजाब नूं मतां दिंदे ने, वो उत्तरी भारत के सूबियां दी गल कीती जावे तां दिल्ली सूबा अजिहा जिथे सब तो वध करजा करजे दी पांडा और पंजाब नूं मतां दित्तियां जा रहियां ने। पंजाब नूं करजदार रख्या जा रहा, पंजाब नूं कहा जा रहा है कि पंजाब दे विच सरकारां लुट के लै गईआं, पॉलिसियां नहीं सही, पर हालात सारे स्टेट दे अजिहे ने ते सेंटर सरकार दे भी अजिहे ने, चाहे उत्थे पहलां कांग्रेस पार्टी ने राज कीता जां फिर हुण 2014 तो BJP सरकार करी है, ते पंजाब दे विच चाहे पहलां कांग्रेस ने राज कीता, फिर अकालियां ने कीता, फिर कांग्रेस ने कीता, ते कर्जा पंजाब ते वधदा गया। हुण अज असीं दसांगे कि अगर भारत सरकार की गल की जाए, सेंटर सरकार की गल की जाए, वो सेंटर सरकार जिहड़े पंजाब पूरे सूबे तो टैक्स लैंदी आ, GST दे पैसा इकट्ठा करती आ, सेंटर दे टैक्स इन्ने ज़्यादा ने कि सूबे दीआं तिजोरियां खालियां हो जांदियां, लेकिन सेंटर दीआं तिजोरियां भरियां रहिंदियां हैगियां, पर वह भी भारत सरकार भी कर्जदार आ। अगर भारत सरकार ते गल की जाए, जदों 2004 सी उदों भारत उपर 8,80,000 करोड़ का कर्जा सी, ते जदों सेंटर सरकार BJP दी आ जांदी आ, ते हुण तक अगर गल की जाए तो देश की सरकार उपर भारत के उपर 1,10,78,000 करोड़ का कर्जा, मतलब 1,10,78,000 करोड़ का कर्जा, तो असी जी अगर 130 डिवाइड कर दिए तो लगता कि हर भारती कर्जदार आ, ते जेड़े देश नूं लुट के लै गए, चाहे वह विजय माल्या हो, चाहे वह ललित मोदी होवे, ते वह अजकल देश नूं लुट के ते प्यार दियां पिंगां झूट रहे ने, पर हले तक क्योंकि सेंटर सरकार दा खासम खास ही यारां दा यार सी, इस अजकल वह उत्थे प्यार दियां पिंगां च झूट रहे ने। हुण असीं उत्तरी भारत दी सिर्फ गल करांगे, हालांकि पूरी डिटेल आ देश के दे उपर कि राज ते किन्ना कर्जा, लेकिन अज असी उत्तरी भारत के सूबियां दी ही गल करांगे। तो सब तो पहले अगर गल करिए दिल्ली सरकार दी, क्योंकि दिल्ली सरकार कह रही कि साडा बजट सरप्लस आ, दिल्ली बेहतरीन सरकार आ, दिल्ली ने बहुत वधिया काम किए ने, हालांकि दिल्ली दे विच पुलिस सेंटर कोल आ जिहड़ा सब तो जिहड़ी खर्चा किया जाता गृह विभाग पुलिस प्रशासन ते, वह भी दिल्ली सरकार का नहीं लेना देना गा, वह सेंटर पैसे दिंदी आ, जिहड़ी उत्थों दी म्यूनसिपल कारपोरेशन आ वह भी सेंटर दे अधीन आ, बहुत सारे उत्थे दिल्ली दे महकमे ने सेंटर दे अधीन आ, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार ते बहुत सारा कर्जा। अगर गल की जाए 2004 दे विच दिल्ली ते 1,96,000 करोड़ रुपए का कर्जा सी दिल्ली ते, ते हुण दिल्ली सरकार ते 13,53,058 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया अरविंद केजरीवाल की सरकार ते। हुण गल की जाए कि दिल्ली सरकार ते टोटल किन्ना कर्जा, जदों जिहड़े उत्थों दे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री सन 2014 च, उस समय दिल्ली ते कर्जा सी 8,44,400 करोड़ का कर्जा। उस तो बाद 2014 तो लैके तो हूँ तक दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार आ, अरविंद केजरीवाल की सरकार आ, जिहड़े दिल्ली मॉडल दियां गल्लां कीतियां जा रहे पूरे भारत च पूरे देश दे विच, तो उस दिल्ली की कर्जदार जिहड़ी स्थिति आ कर्जे की पांडा वह भी जिक्र कर देने। 2015 च दिल्ली दे कर्जा वध के 9,07,000 करोड़ हो गया,
साल 2016 दे विच कर्जा वध के फिर 9,70,000 करोड़ हो गया, 2017 च फिर कर्जा वध गया ते फिर 9,77,000 करोड़ कर्जा हो गया, 2018 दे विच फिर दिल्ली सरकार से कर्जा वध गया, फिर कर्जा हो गया 10,70,000 करोड़ का कर्जा हो गया, 2019 च 13,14,000 करोड़ का कर्जा हो गया, तो 2020 दे विच कितना कर्जा हो गया दिल्ली ते 13,70,412 करोड़ का कर्जा हो गया, तो 2021 च दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली मॉडल ते कितना कर्जा हो गया 13,53,058 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। यह दिल्ली सरकार आ जिहड़ी दिल्ली सरकार पंजाब नूं मतां दे रही आ। सब तो वड्डी गल है कि दिल्ली एक जिहा देश का सूबा बन गया जिथे विधायक जिहड़े चुन के जाते हैं सब तो वध अगर विधायकों की जिहड़ी तनखाह वा वह दिल्ली दे विच लगभग 1 MLA 5,00,000 रुपए का पैंदा है इस टाइम दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार से सब तो वड्डा कर्जा उत्तरी भारत एक छोटा जिहा सूबा उदाहरण के तौर पर पंजाब दे विच 1,25,000 टीचर आ ते दिल्ली दे विच 13,000 टीचर आ, हरियाणे दे विच भी 70 to 80,000 के करीब टीचर ने लेकिन कर्जा दिल्ली नालों घट आ, पंजाब का भी घट आ, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली मॉडल विकदा, अरविंद केजरीवाल विकदा, राघव चड्ढा विकदा, मनीष सिसोदिया विकदा, कि उन्हें पता कि फंडा ही है कि अपने आप की कितनी मशहूरी की जा सकती है। हुण असी गल करांगे कि हरियाणे ते किन्ना कर्जा, हरियाणे ते साल 2004 च किन्ना कर्जा हैगा सी 14,600 करोड़ का कर्जा है सिर्फ, तो इस टाइम जिहड़ा वध के 2022 च हो गया वह हो गया 3,21,936 करोड़ रुपया हो गया। हिमाचल प्रदेश की गल की जाए तो 2004 च सिर्फ 3,300 करोड़ रुपए का कर्जा है, तो हूँ हिमाचल से 35,899 करोड़ रुपए ने। जम्मू कश्मीर की अगर गल की जाए तो 5,500 करोड़ 2004 दे विच, तो हूँ वध के उत्थे 69,908 करोड़ रुपया हो गया कर्जा, जम्मू कश्मीर से भी वध गया। पंजाब की अगर गल की जाए तो 2004 दे विच पंजाब ते 26,600 करोड़ रुपए का कर्जा सी, ते हुण पंजाब ते वध के 2,63,532 करोड़ का कर्जा हो गया। राजस्थान की गल की जाए तो 2004 दे विच 21,700 करोड़ रुपए का कर्जा है, हुण वध के राजस्थान ते 3,88,636 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। चंडीगढ़ की अगर गल की जाए पंजाब ते राजधानी हरियाणे की राजधानी कह लो सांझी राजधानी कह लो, चंडीगढ़ ते 2004 च कर्जा सी 10,900 करोड़ रुपए, तो हुण चंडीगढ़ ते भी कर्जा वध के 80,793 करोड़ रुपया हो गया। दिल्ली सरकार की गल की जाए तो 2004 च जिस तरह पहला जिक्र किया 1,96,000 करोड़ सी, हुण वध के 13,53,058 करोड़ रुपए हो गया। हुण पंजाब की गल की जाए जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार सी 2002 तो लैके 2007 तक उस समय सूबे ते कर्जा सी 55,550 करोड़ रुपए। कैप्टन सरकार की अगर गल की जाए तो 2002 तो लैके 2007 तक पंजाब ते जिहड़ा कर्जा सी 55,500 करोड़ रुपए का कर्जा सी, फिर सूबे दे अंदर श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सांझी सरकार बनती है, तो फिर 7 तो लैके 17 तक जिहड़ा पंजाब ते जिहड़ा कर्जा सी वह 2,28,314 करोड़ रुपया बन गया, तो फिर जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह की 2007 तो लैके 22 तक सरकार रही है वो 111 दिन चन्नी दे भी रही है चन्नी सरकार, तो पंजाब ते कर्जा 2,63,532 करोड़ रुपया हो गया। हुण मार्च तो लैके हुण तक भगवंत मान ने सूबे नूं संभालिया, लेकिन पहले 3 महीनों च इन्हां नूं लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना पिया, तो खजाना मंत्री ने जो बजट पेश किया उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2023 तक इस वित्तीय वरे दौरान पंजाब नूं घट्टो घट 35,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेना पैना, तो मतलब जो 31 मार्च 2023 वित्तीय वरा खत्म होगा तो पंजाब ते लगभग 3,25,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा। ये पंजाब की स्थिति है। अगर केंद्र सरकार की गल की जाए तो जो मोदी साहब ने अहुदा संभालिया प्रधानमंत्री का सेंटर च BJP सरकार आई तो सेंटर से 2014 के कर्जा सी भारत उत्ते 62,82,000 करोड़, 2015 के 68,78,500 करोड़, 2016 के 75,00,000
22,600 करोड़ रुपया, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ 79,17,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ 87,67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, 2019 'ਚ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ 98,97,595 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 1,51,18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2021 ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਕੇ 1,10,78,50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਦਾਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2020 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯੂਟੀ 'ਤੇ 1,812 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਭਾਰ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ 'ਤੇ 2020 'ਚ 1,812 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੂਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ 1,812 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 2021 'ਚ ਜਿਹੜਾ 2,181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਤੂੰ ਜੰਮ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 3,25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੰਮ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀ ਖੋਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਲਾ ਧਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਆਉਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੰਕੜੇ RBI ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਥੇਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।